हेलो जय माता दी। तो आज है कंजके, तो बस मैं सुबह सुबह रेडी हो चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ। बस मैंने अभी अभी छोले रात में भिगो दिए थे, वो छोले उबलने रखे हैं। बस अब हम अपनी कंजकों की पूरी पूरी तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैं ये छोले भिगोने रख दिए हैं, सॉरी भिगोने नहीं, छोले उबलने रख दिए। अब मैं हलवा बनाऊंगी सबसे पहले, क्योंकि हलवे का काम सबसे पहले फिनिश कर देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, छोले बॉइल करने मैंने रख दिए हैं और पूरा घर बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है, सफाई हो चुकी है। ये देखो पूरा का पूरा किचन बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है और यहाँ पर छोले मैंने बॉईल करने रख दिए हैं। बस छोले उबल रहे हैं, अब मैं बनाऊंगी हलवा। पूरा घर बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन भी। तो गाइस सबसे पहले मैं बनाऊंगी हलवा, जिसके लिए मैंने सूजी ले ली है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी घी, कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें देसी घी डालूंगी। घी मेरा मेल्ट हो चुका है, अब मैं इसमें सूजी डाल दूंगी एक कटोरी। बस इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे हम इसको हल्का ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। सूजी इतनी अच्छे से ब्राउन भी नहीं हुई, इतनी प्यारी सूजी की खुशबू आ रही है ना, घी में जब सूजी मिलती है तो खुशबू वाह, चार चांद लग जाते हैं। तो बस इसको अभी तो ब्राउन करना है, अभी तो बहुत कच्ची ही है, ब्राउन करते हैं तभी हलवा का कलर अच्छा आता है एंड सूजी पकती है। तो गाइस यहाँ पे सूजी बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, अब मैं जितनी सूजी है उसका चार गुना पानी ऐड करूंगी। जितनी सूजी है उतनी ही कटोरी मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। बस इसको अब आराम से फुल आंच पे पकाएंगे। और इधर मेरे ये छोले पक रहे हैं। तो गाइस हलवा बनके रेडी हो चुका है, मैंने इसमें किशमिश वगैरह भी डाल दिया। अब मैं इसको बस बाउल में निकालूंगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाए ये। बस मैंने हलवा रेडी कर लिया है, अब बस ये छोले बॉईल हो चुके हैं, इसका प्रेशर निकल जाए, बस इसका तड़का लगाना है। मसाले डालने होते हैं जो हम कंजकों को सर्व करते हैं, उसमें सिर्फ मैं मसाले डालती हूँ, नमक मिर्च एंड हल्दी एंड धनिया पाउडर, दैट्स इट। और छोले वगैरह ऐड करती हूँ, उसको भूनती हूँ, जीरा डालती हूँ और ऑयल वगैरह डालती हूँ, बस और कुछ भी ऐड नहीं करती। तो उसको भूनना है, वो बहुत जल्दी बन जाएंगे। उसके बाद बस अब पूड़ी का हम आटा गूंथते हैं, क्योंकि इसका इतने प्रेशर निकलेगा इतने पूड़ी का आटा गूंथ जाएगा। और जो मैं पूड़ी बनाती हूँ वो हमेशा मैं आटे की बनाती हूँ, गेहूं के आटे की। मैदा मैं यूज नहीं करती क्योंकि मैदे वाली मेरे से हार्ड बन जाती है, इसलिए मैं गेहूं के आटे की बनाती हूँ। जो चने हैं वो रेडी हो चुके हैं, मसाले वाले चने जो कि हम पूड़ियों के ऊपर रखेंगे हलवे के साथ। तो गाइस ये वाली प्लेट्स मैं लेके आई थी, एक ये वाला प्रिंट था कंजकों के लिए और एक था ये वाला प्रिंट। बस अब मैं इसमें हलवा पूड़ी बन गई है वो रखूंगी। A few moments later. गाइस कंजके वगैरह मैंने सारी बना ली है, मतलब सारी कंजक के लिए पूरी छोले सब कुछ बना ली है। अभी बस कंजकों का वेट है, अभी टाइम हो चुका है 9:45 हो चुके हैं। मैं कल सोच रही थी 9 बजे तक बैठ जाएंगे, लेकिन अभी 9:45 हो चुके हैं। सारा सामान तो सब कुछ रेडी है, सब कुछ रेडी है, बस मैं बना के अभी बैठ चुकी हूँ, बना के बैठ चुकी हूँ। जब वो आएंगे बस कंजकों का वेट है। मैंने अपनी हाउस हेल्पर को फोन किया, वो बोल रही है कंजकों को कोई लेके चला गया है, और मैं बैठी हुई कब जब आएंगी तभी मतलब बिठाऊंगी मैं। नूरू नूरू नूर नूर, जय माता दी जय माता दी। नूर फ्रूटियों की हिफाजत करते हुए। A few moments later. तो गाइस बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद तो सारी कंजकें आ चुकी थी। सबसे पहले मैंने उनके पैर को अच्छे से वॉश करवाया, उसके बाद आप देख सकते हो, और उसके बाद मैंने ये तिलक लगाया सबको, सब बच्चों को तिलक लगाया। यहाँ पर छः कंजकें आई थी और दो लड़के आए थे और दो मैंने बाहर भिजवा दी थी। तीन लड़के मतलब बैठे थे और आठ कंजके और एक माता रानी की, मतलब 12 बच्चे बैठ चुके थे। और यहाँ पर मतलब तीन जनों को मैंने घर पर भिजवा दी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर इनको ये मोली बांधी, घुंघरू वाली में मोली लेके आई थी, क्योंकि ना मेरे को ये वाली मोली घुंघरू वाली बहुत अच्छी लगती है और बच्चों के हाथों में भी अच्छी लगती है जब वो छन 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 करती है। और यहाँ पे ये छोटू सा बेबी है ना, ये बॉय है, ये बनाना खा रहा है। पहले मेरे को लगा था ये कि गर्ल है, तो फिर बाद में पता चला कि ये लड़की है, लड़का नहीं है, लड़की है।
उसके बाद बस सबको मैंने ये बारी बारी इनको सबको मैंने ये मोलियाँ बांध दी। और ये जो दुपट्टा वाली दिख रही है ना, ये आंटी है, छोटी सी गुड़िया के साथ आई थी, क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना वो मम्मी के बगैर नहीं अपने आते हैं, छोटे छोटे बेबीज ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद बस मैंने सबको ये प्रसाद, ये जिनसे पूड़ी छोले हलवा बनाया था वो दिया। उसके बाद सब सारी की सारी कंज के अपने अपने घर चली गई। A few moments later. तो गाइज मैं मंदिर वगैरह होके आ गई थी। वहाँ पे मैंने मंदिर वगैरह मैं दो मंदिर गई और वहाँ पे मैंने कंजक बनाई थी वो लेके गई थी, और प्रसाद वगैरह बनाना वगैरह लेके आई थी। तो उधर से फिर मेरे को वीडियो नहीं बनाई, बहुत जल्दबाजी में होता है ना कि मतलब फटाफट अगर हमने कंजके बिठा लिया तो मंदिर हुआ हूँ, तो वहाँ मंदिर वगैरह हो आई थी। उसके बाद अब मैं अपना ये पूरी प्रसाद, क्योंकि मैं सुच्चे मुँह थी सुबह से, तो अभी बस मैं खाने लगी हूँ। अभी मैं खाती हूँ, फिर मैं आगे आपसे मिलती हूँ। तो गाइज वो जब खाना खाने के बाद डायरेक्ट अभी मैं आपको शाम को मिल रही हूँ। शाम के 6 बज चुके हैं, बिकॉज क्योंकि वो था ना पूरी, दो पूरी खाई थी बस, दो पूरी मैं, क्योंकि मैं पूरी ज़्यादा खाती नहीं हूँ, दो पूरी खाई थी मैंने और वो सब्जी खाई थी। उसके पूरी खाने को इतना आलस आ गया, इतना लेजी लग रहा था। फिर उसके बाद बस दोपहर के टाइम पे मेरी हाउस हेल्पर आ गई, मैंने हाउस हेल्पर को पूड़ियाँ वगैरह बना के दी, उनके साथ कोई आई थी उनको बना के दी मैंने। और बस सब्जी वगैरह मैंने दोबारा बनाई, वो तरी वाली बनाई ना मैंने, ग्रेवी वाली वो बनाई, कि रात में छोले चावल बनाऊंगी, छोले तो मैंने बना लिए हैं। तो बस आज का आपने सब कुछ देखा है, थोड़ा बहुत जितना हो सका मैंने आपको दिखाया। मंदिर गई थी वो नहीं दिखा पाई ना, क्योंकि बाहर ना होता है ना कि सुबह सुबह मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी इंसान हर एक चीज करता है। तो बस आज का यही है, कंजके बहुत अच्छे से हो गए, हमारे नवरात्रे बहुत अच्छे से माता रानी के कंप्लीट हो गए हैं, कंजके भी हो गई हैं, तो बहुत अच्छा गया सब कुछ। आप लोग बताना, आप लोगों ने कंजके बिठाई हैं, आप लोगों ने भी हलवा पूड़ी खाया होगा, तो मैंने भी आज हलवा पूड़ी खाया। वैसे मैं चने वाली ग्रेवी वाला पूड़ी के साथ खाती हूँ, लेकिन अभी ना सुबह सुबह ना मेरे को भूख लगी थी, जो मैंने कंजकों के लिए बनाया था ना, फिर मैंने वही खाया, बहुत टेस्टी लगता है हलवे के साथ। तो बस अभी शाम हो चुकी है, तो अभी शाम में सिर्फ छोले चावल खाऊंगी मैं। और अभी बस मैं पानी पी के थकी पड़ी हूँ मैं आज, क्योंकि ना पूरी खाने के बाद ना बहुत ज्यादा प्यास लगती है, प्यास। और मैंने एसिडिटी की गोली भी ली, क्योंकि मेरे को एसिडिटी बन चुकी है, इसलिए मैं पूड़ी वगैरह नहीं खाती हूँ। बट होता है ना कि हमने फास्ट रखे हुए हैं, तो हमको प्रसाद तो खाना ही था, तो प्रसाद खाया मैंने। बस छोले राइस खाएंगे, फिर उसके बाद जो मिलूंगी मैं आपको कल के व्लॉग में मिलूंगी। तो माता रानी के जो हमने कंजकी बिठाई बहुत अच्छी गई है। आप लोग बताना आपको आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, अगर आपने नहीं तो सब्सक्राइब करें, पुराने नहीं तो लाइक करना मत भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।